दिल से करो, दिखाने के लिए नहीं करना कि मेरे को आज एक बैच मिला है तो मैंने ये सेवा करनी है। सेवा का कोई फायदा नहीं है वहां पर, क्योंकि गुरु जी आपका भाव देखते हैं। 10 लोग मुझे जानते हैं और मैं बड़े मंदिर में सेवा करता हूँ, मेरी शान बढ़ गई है, वो गुरु जी नहीं देखते। किसी को कोई फर्क, वो सिर्फ दुनिया के लिए सेवा करते हो, गुरु की सेवा नहीं है। और जो वहां सेवा करते हैं, चाहे वो संगत में करे, सत्संग में करे या बड़े मंदिर में, मैं बार बार ये बात कहती हूँ और कहती रहूंगी कि जो बड़े मंदिर में आप सेवा करते हैं तो आप संगत के सेवादार हैं, आप उनके पैर की धूल हैं जो सेवा करते हैं, आप उनके सर के ऊपर बैठ नहीं सकते और सेवा नहीं कर सकते, आप उनके सिर चढ़ के नहीं बोल सकते, आप उनकी संगत की धूल है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि आप संगत की धूल है और गुरु की सेवा उस संगत की सेवा करने से है, तब जाके ऊपर परवानगी होगी। अदरवाइज जाते रहो, सेवा करते रहो, कोई भी फल नहीं मिलेगा, जीरो हो जाओगे। वैसे ही जीरो हो, वैसे ही हो जाओ। हमें किसी को दिखाना नहीं है सेवा का, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें कोई बैच नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम दिल से सेवा करें, आत्मा से सेवा करें। और गुरुओं ने वाणी में भी ये कहा है, आप बहुत सुंदर शब्द अगर आप सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं ना शब्द, तो समझ में आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ सेवा के ऊपर, कि हमारे अंदर कितनी नम्रता होनी चाहिए, कितनी हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए सेवा का। वो कैसे, जब बहुत अफगानिस्तान से, काबुल से बहुत संगत आई थी, ये तो एक दूसरा शब्द था। तो बहुत ठंड के दिन थे उन दिनों, तो गुरु अर्जन देव जी को पता लगा, उनकी वाइफ को भी, आई थिंक माता सुलग्नी थी, मुझे नाम भूल गया, नहीं अच्छा उनकी वो उनकी पत्नी, और वो उनको पता लगा कि बहुत ठंड के दिन है और बड़ी थकी हुई संगत काबुल से आई है, अफगानिस्तान से जब आई है। तो गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया, किसी सेवादार को नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। तो उनकी माता जी ने, मतलब उनकी वाइफ ने, और उन्होंने, माता जी ने लंगर तैयार किया, सबका लंगर तैयार किया, खुद लंगर दोनों उठा के लेके गए। गुरु है ना, गुरु की हम्बलनेस देखी है आपने, आपके अंदर कितनी है पहले ये टटोल के देख लो आप। और जब ये हम्बलनेस, उन्होंने जब इतने प्यार से खुद वजन उठा के सब कुछ लेके, किसी को नहीं पता था वो गुरु और उनकी वो पत्नी है, ठीक है, सारी संगत की सेवा करी, उनको लंगर चढ़ाया, जिनके पैरों में चोट आई हुई थी, चल चल के पैर में छाले हो गए थे, गुरु अर्जन देव जी ने उनको मलहम लगाया, गुरु अर्जन देव जी ने उनको पंखा किया, और इतने प्यार से काबुल में संगत जब आई तो उनको कहा कि कितनी अच्छी सेवा हुई है हमारी, कितना सुकून मिला हमको। जब वो गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने आए तो वो सारे बड़े प्यार से कोई बैठे हुए थे जो उनके जोड़ों की सेवा कर रहे थे, उनके पैरों की धूल साफ कर रहे थे। जब वो देखे तो जब बाबा बुड्ढा जी आए उनके पास और कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर चलो, तो कहते ये कौन है, कहते यही तो गुरु अर्जन देव जी हैं। कहने का भाव ये है कि इंसान को गदगद होना चाहिए जब गुरु आपकी सेवा कर, जब आपके जूते भी झाड़ रहे कि आप इतनी दूर से चल के आए, आपके जूतों पे मैल है और वही धूल मेरे मेरे सर माथे पे कि इतने दूर से मेरे लिए चल के आ रहे। तो ये नम्रता, ये हम्बलनेस, ये होनी चाहिए हमारे, यही भाव से आपने सेवा करोगे तो फायदा, अदरवाइज तो इट हैज नॉट अ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जितनी मर्जी कर लो, आगे बढ़ के कर लो, बड़े मंदिर के बड़े दरबार में जाके सेवा कर लो, दिखा लो हम हैं, वी आर डूइंग इट, यू नो, चलो 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 चलो, इधर चलो उधर चलो, या इवन सत्संग में भी हम सेवा करते हैं, आई एम सेइंग इट फॉर द एंटायर थिंग, संगत एक ही होती है, चाहे वो बड़े मंदिर में हो चाहे वो सत्संग में हो, संगत तो संगत होती है। सेवा के दूसरे मायने भी ये होते हैं कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि संगत की सेवा करनी है, सेवा का जिस दिन भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आपका खुद ब खुद मन करेगा कि आपके जैसे नेबर्स हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनसे बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, उनका कोई काम नहीं हो रहा, आप जाके वो काम कर सकते हैं, वो भी गुरु सेवा मानी जाती है। कोई सड़क पे गिर गया है, सड़क पे एकदम गिर गया और उसको चोट लग गई, तो अगर उसको आप मरहम लगा देंगे तो ये भी सेवा मानी जाती है। कोई डॉग या कुत्ता कोई भी हो, उसको बहुत जोर की चोट लगी है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसका इलाज कराना, ये भी सेवा मानी जाती है गुरु। तो आप सेवा को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मंदिर के अंदर,
आप सेवा को सत्संग के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अंदर आपके एक भाव आ चुका है सेवा का. तो आप कहीं भी जाएंगे आपको सेवा मिल जाएगी, क्योंकि सेवाएं बहुत है पर हमारा दिल नहीं. किसी का भी दिल नहीं है हमारा सेवा करने का. ओदा की हो रहा, सानू की लेना देना. वी आर ऑलवेज सेइंग दैट, खासकर पंजाबी लोग, सानू की. यू नो जोक्स भी है इसके ऊपर बहुत सारे, सानू की. हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों करें. भाव अगर गुरु, अगर हमारे लिए ऐसे सोचे गुरु जी के अंदर कितनी बड़ी भाव है, कितने दयालु है हमारे गुरु जी की. आप हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, सबके लिए तो कर रहे हैं ना, सबका ध्यान भी रख रहे इतने प्यार से. सत्संग बहुत सारे होते हैं हमारे पास. जीवन का संघर्ष तो बहुत लंबा है ना हमारा. कभी कभी लगता है जिंदगी काटे नहीं कटती है, कभी लगता है बहुत जल्दी गुजर रही है. तो अगर संघर्ष है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, तो गुरु का हाथ पकड़ लो. पहले आपको ही पकड़ना पड़ेगा अपने गुरु का हाथ, और पकड़ते पकड़ते अगर उनकी मौज आ जाए तो फिर उन्होंने पकड़ लेना. तो वही हमारी कोशिश है कि हम तो गुरुजी आपको पकड़े रखे हैं, हम तो कोशिश में हैं, क्योंकि हम बहुत वीक हैं, हम बहुत कमजोर इंसान हैं, पर आप हमें स्ट्रांग बनाइए और फिर हमारा हाथ पकड़ के जहां ले जाना है, जो करवाना है आप, जैसा भी हमें जीवन देंगे मंजूर है. और गुरु की महिमा जो हम गाते हैं, जो हम सत्संगों में गाते हैं कि गुरुजी ने हमारा कितना कल्याण किया. कल्याण शब्द, जो कल्याण शब्द है उसके बहुत बड़े मायने होते हैं. कल्याण शब्द का मतलब ये नहीं कि आपका कैंसर ठीक किया. कल्याण शब्द का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपका आपको पैसे दे दिए या बिजनेस आपका ठीक कर दिया. वो कल्याण शब्द का मतलब नहीं होता. कल्याण एक बहुत बड़ा शब्द है. कल्याण का मतलब होता है कि रूह का कल्याण, कि आपकी जो आपका जन्म मरण का कल्याण, आपको बार बार आना जाना जो लगा है वो, उसका कल्याण. तो इसको इतने छोटे में मत लो कि हाँ मेरा तो कल्याण हो गया. समझ लो इस बात को कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि अब हर जन्म में आते जा रहे हैं. पहले भी आए थे 10-5 हजार साल पहले.